स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी में। आज हम देखने जा रहे हैं एक साउथ कोरियन मूवी जिसका नाम है सेकंड लाइफ। मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो एंड तक इसको ज़रूर देखना। फिल्म की शुरुआत में हम ही को देखते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट में रेडी हो रही है और साथ ही इसके मम्मी पापा एक रूम में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई कर रहे होते हैं। अब इस बात से डिस्टर्ब होकर स्कूल भाग जाती है। स्कूल में इसकी लाइफ और भी ज़्यादा बेकार है क्योंकि यहाँ पर कोई भी इसकी फ्रेंड नहीं है और ना ही इससे कोई बातें करता है। वहीं पर इसकी क्लास में आज एक लड़की का बर्थडे है तो सभी खुश हैं और लड़कियां उसको सेलिब्रेट कर रही होती हैं, बट ये दूर बैठी उनको देख रही होती है क्योंकि ये उनकी फ्रेंड नहीं है। आ टीचर सबको बैठाने की जगह अलग अलग सेलेक्ट कर रही होती है और ही के साथ ये एक लड़की को बैठाती हैं और इसका नाम जोंगमी है। जोंगमी इसे कहती है कि तुम पे स्कार्फ काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब ये सुन के ही बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती है क्योंकि आज तक उससे किसी भी लड़की ने बात नहीं की थी और आज एक लड़की उसकी तारीफ कर रही है। तभी वहाँ पर जोंगमी की एक फ्रेंड आती है और ये दोनों किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट के बारे में बातें करती है और कहती है कि टिकट सोल्ड आउट हो गया है या इन दोनों के पास पैसे नहीं है टिकट खरीदने के लिए। ही वहीं बैठी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो घर जाकर कॉन्सर्ट की टिकट ऑनलाइन सर्च करती है और टिकट अवेलेबल होती है। ये अपने फादर के पास जाती है और उनसे पैसे मांगती है पर इसके फादर इसको भगा देते हैं। फिर अपनी मोम के पास जाती है। इसकी मोम काफ़ी बिजी रहती है इसलिए वो अपना पर्स इसको दे देती है और ये उसमें से पैसे निकाल कर दो टिकट बाय करती है और स्कूल में जाकर जोंगमी और उसकी फ्रेंड को दे देती है ये बोल के कि मेरे भाई ने कहीं से टिकट जुगाड़ की थी, तुम लोग इसको ले लो और इन्जॉय करो। वो दोनों जाकर कॉन्सर्ट को इन्जॉय करती हैं और इसी वजह से ही अब इन दोनों के साथ थोड़ी बहुत बातें कर पाती है और तीनों अब ये मस्ती करती है, फ्रेंड टाइप की बन जाती हैं और ये तीनों अब कॉन्सर्ट में भी जाया करती हैं। अब जोंगमी और ही काफ़ी क्लोज आ जाती हैं, हंसना घूमना फिरना सब कुछ होता है इनके बीच, खूब मस्ती करती हैं। एक दिन ही ज्वेलरी शॉप में जाती है और दो महंगी रिंग खरीदती है और अपनी क्लास में सबको ये बताती है कि ये रिंग मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दी है। लड़कियाँ कहती है कि कौन है ये, तो ही कहती है कि वो कॉलेज में पढ़ता है और मैं उसकी फ़ोटो तुम लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि वो काफ़ी सीक्रेट है। थोड़ी देर बाद ही जोंगमी को कहती है कि मेरे साथ बाहर चलो स्नैक्स खरीदने के लिए, पर इसके साथ कोई भी नहीं चाहता इसलिए ये अकेली ही चली जाती है। और इसी बीच जोंगमी अपनी तीन फ्रेंडों के साथ बैठकर यहाँ पर इसकी बुराई करना चालू कर देती है। यहाँ पर वो कहती हैं कि ये बहुत ज़्यादा बेकार लड़की है, वो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में रहती है और तारीफ़ करती है और वो जोंगमी की कॉपी करती है ये बोल के कि उसका बॉयफ्रेंड कॉलेज में पढ़ता है क्योंकि जोंगमी का बॉयफ्रेंड भी कॉलेज में ही पढ़ाई करता है। अब यहाँ पर ये सारी बातें ही सुन रही होती है और उसको समझ आ जाता है कि उसने इन सब के लिए इतना किया, उसको कॉन्सर्ट की टिकट ला के दी, उनसे दोस्ती करने के लिए क्या क्या नहीं किया इसने और ये इसकी पीठ पीछे ऐसी बुरी बुरी बातें करती है इसके बारे में, इसलिए वो सोचती है कि अब ये जोंगमी से बदला लेगी। एक दिन जब बच्चे क्लास में नहीं होते थे ये अपनी महंगी वाली रिंग जोंगमी के बैग में डाल देती है और टीचर को जाकर कहती है कि रिंग चोरी हो चुकी है। अब यहाँ पर टीचर सबके बैग की तलाशी लेने लग जाती है और जोंगमी की जब बारी आती है तो वो अपने बैग को नहीं देती है और वो अपने बैग को छीन रही होती है और इसी छीना झपटी के चक्कर में उसके बैग से कुछ सामान बाहर गिर जाता है जिसके अंदर एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है। अब ये देखकर एक स्कूल स्टूडेंट के बैग में सारे बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं कि इसके बैग में ये क्या कर रहा है और इसी वजह से जोंगमी की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होती है क्लास में। और अगले दिन सब बातें करते हैं कि जोंगमी को अब स्कूल से निकाल दिया गया है। ही ये बात सुनती है और वो उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है इसलिए वो स्कूल के बाद उसके घर जाती है, पर यहाँ पर जोंगमी किसी से मिलना नहीं चाहती और ना ही उसकी मोम इसको अंदर जाने देती है, वो ही को बाहर से ही भगा देती है। ही अपार्टमेंट के नीचे उतर कर आती है तभी अपार्टमेंट के ऊपर से कोई जंप कर देता है और वो जोंगमी होती है। जोंगमी ने यहाँ पर शर्म की वजह से अपनी जान दे दी है। अब इसी गिल्ट की वजह से ही को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो सोचती है कि अब मैं पानी में डूब कर मर जाती हूँ और वो जाकर पानी में कूद जाती है और वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और उसको एक ऑर्फनेज की डायरेक्टर मिलती है जो उठाकर एक अनाथ आश्रम यानी कि ऑर्फनेज में लेकर आ जाती है। अब यहाँ पर इसकी काफ़ी खातिरदारी भी की जाती है और ही यहाँ पर कुछ बोलती नहीं है ताकि इससे कुछ सवाल ना करे और इसको उसका जवाब ना देना पड़े। ऑर्फनेज वालों को ये लगता है कि इसको काफ़ी ज़्यादा सदमा लगा है और ये बोल नहीं पा रही या तो इसने अपनी मेमोरी लॉस कर दी है और इसका नामकरण कर देते हैं ये लोग। अब इसका नाम सेवकी रखा जाता है, अब हम इसे सेवकी कह के बुलाएंगे। सेवकी अब यहीं रहने लग जाती है और बच्चों के साथ खेलती है और डायरेक्टली से मॉल में लेकर जाती है, वहाँ इसके लिए कपड़े भी खरीदा करती है वो। और वहीं पर सेवकी जो है वो स्कूल की लड़कियों को देखती है। डायरेक्टर को लगता है कि इसको शायद हो सकता है स्कूल जाने का मन कर रहा होगा। उसी रात वहाँ एक बच्चे का बर्थडे होता है, बर्थडे को बहुत अच्छे से मनाया जाता है और जब फ़ोटो लेने की बारी आती है तो सेवकी वहाँ से चली जाती है जो कि फ़ोटो में नहीं आना चाहती। अगले दिन डायरेक्टर इसे स्कूल में एडमिशन फॉर्म देती है। सेवकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टडी करती है और एग्ज़ाम देती है और पास हो जाती है जिसकी वजह से इसका स्कूल में एडमिशन हो जाता है। अब इस ऑर्फनेज को छोड़कर इसको जाना होगा। यहीं पर एक छोटी सी बच्ची रहती है
जिसके साथ सेवकी का जो लगाव था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसी वजह से ये लड़की इसको रोकती है। पर सेवकी कहती है कि जब जब मेरे हॉलीडे होंगे तो मैं तुमसे मिलने आया करूँगी, और वहाँ से वो एक हॉस्टल में चली जाती है। यहाँ इसकी रूममेट भी होती है जिसको हम देखते हैं, इसका नाम ली है और ये बहुत ही ज़्यादा खड़ूस लड़की है। अगले दिन सेवकी का फर्स्ट डे होता है स्कूल में, इसलिए वो जल्दी उठकर तैयार होकर स्कूल जाती है और हमेशा की तरह यहाँ भी अकेली होती है। तभी इसके पास तीन लड़कियाँ आती हैं जो कि इसे दोस्ती करने में इंटरेस्टेड होती हैं, और फिर ये तीनों इससे बातें करती है और कहती है कि तुमने स्कूल क्यों छोड़ा था। शिवकी कहती है कि मैं कभी स्कूल नहीं गई हूँ, इससे पहले मैं होम क्लासेस लिया करती थी। और ऐसे ही अभी ये चारों फ्रेंड बन जाती है, घूमना फिरना, मस्ती करना और रात को बियर पीना, इनका यही काम होता है। अगले दिन शिवकी की एक फ्रेंड इसको फोटोग्राफी के लिए लेकर जाती है और दिन ऐसे ही बीतने लग जाते हैं। और अब स्कूल की प्रिंसिपल भी शिवकी से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और इसको मोस्ट वैल्यूबल स्टूडेंट का अवार्ड देने का प्लान किया जाता है। ये सुनकर शिवकी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और इसी खुशी में वो सोचती है कि क्यों ना मैं एक बार ऑर्फनेज जाकर घूम कर आ जाऊँ। अब खुशी में सेवकी अपना सामान पैक करती है और ऑर्फनेज के लिए निकल जाती है। जाते हुए रास्ते से वो डायरेक्टर के लिए कुछ गिफ्ट भी खरीद लेती है और यहाँ ऑर्फनेज में जब आती है तो यहाँ एक वॉलेंटियर की गाड़ी इसको दिखती है। सेवकी फिर भी अंदर जाती है और यहाँ अपनी छोटी वाली फ्रेंड से मिलती है। तब यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि उन्हीं वॉलेंटियर के साथ होती है और वो इसको इसके रियल नाम ही कह के बुलाती है। अब ये सुन के सेवकी को होश उड़ जाते हैं और वो कहती है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रही हो। और उसी रात ही के पास एक ऑर्फनेज की मेंबर आती है और इसे एक मिसिंग पोस्टर दिखाती है जो कि सेवकी का है, क्योंकि सेवकी जब गायब हो गई थी कुछ दिन पहले तो उसके माँ बाप ने पोस्टर छपवाया होगा, या हो सकता है पुलिस उसको ढूंढ रही हो कि उसने इतना बड़ा कांड किया है उसको फंसाने का। ये बात तो यहाँ पे हमें पता नहीं चलती है, बट हाँ इसको ढूंढा जरूर जा रहा होता है। इसलिए ये ऑर्फनेज की मेंबर कहती है कि जाकर तुम डायरेक्टर को सब कुछ सच बता दो। पर सेवकी इस बात से काफ़ी डरी हुई होती है। वो डायरेक्टर के पास उसी रात जाती है और उनको कहती है कि थैंक यू जो भी आपने मेरे लिए किया और मेरी ज़िंदगी बदलने की कोशिश की है बाकी सारी चीज़ें। और वो फिर कोशिश करती है कि वो बता दे कि वो कौन है, कहाँ से आई है और उसने पास्ट में क्या किया है। पर सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम देखते हैं अगली सुबह का सीन। स्नोफॉल हो रही होती है और सेवकी ऑर्फनेज को छोड़कर भाग रही होती है। उसकी क्लासमेट उसे कॉल करने की कोशिश कर रही है पर वो फ़ोन पिक नहीं कर रही होती है और जाकर एक बस में बैठ जाती है। हमें लगता है कि ये स्कूल जा रही है। तभी वहाँ पर उसको एक लेडी मिलती है जिनकी हेल्प करती है और ये लेडी से इसका नाम पूछती है और ये कहती है कि मेरा नाम ली है, और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर हम एंडिंग की बात कर लेते, सेवकी ने डायरेक्टर से कुछ भी नहीं बताया है और वो अब ऑर्फनेज को छोड़कर भाग चुकी है और उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया है। जैसे कि उसने अपना नाम ली बताया एंड में, और ली उस लड़की का नाम था जो इसके साथ हॉस्टल में रूममेट रहा करती थी। और यहाँ पर उससे हमें ये पता चलता है कि वो अब स्कूल नहीं जा रही है क्योंकि इसने अपना नाम गलत बताया है और अभी कहीं और जाएगी और अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करने वाली है। और इसको ये करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लग चुका है। अगर हम शुरू की बात कर ले तो ही का ना ही कोई फ्रेंड था और ना ही फैमिली उसे वैल्यू देती थी। वो बहुत ही ज़्यादा अकेली लड़की थी और एक दिन उसने अनजाने में से ही अपनी फ्रेंड की जान ले ली क्योंकि उसने उसको धोखा दिया था। इसलिए उसे गिल्ट में सुसाइड करने की कोशिश की। उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा सैड थी कि उसने सुसाइड के अलावा कुछ कभी सोचा ही नहीं। बट जब उसने देखा कि लाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जब वो ऑर्फनेज के अंदर आई, वो लोगों से मिली, तो उसको ऐसा फील हुआ कि हाँ ज़िंदगी बहुत ही अच्छी है और हम सुसाइड करने के अलावा भी यार बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं लाइफ में। तो इसलिए अब वो चाहती है कि वो ना तो अपनी पहले वाली लाइफ में जाए और ना ही यहाँ पर रहे, क्योंकि यहाँ पर रहेगी तो लोगों को पता चल ही जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि कोई ना कोई बता ही देगा उसको कि ये कौन है। इस वजह से वो यहाँ से भागकर अपनी नई लाइफ अब जीने के लिए जा रही है। मूवी कैसी लगी ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।